दी राखी हो जटाई बैसाखी। बैसाखी के दिन पंजाब की यह पंजाबी कहावत आपको पंजाब के हर किसान के मुंह से सुनने को मिलेगी, क्योंकि आज के दिन कनक यानी कि गेहूं की फसल पक जाती है और अपने सोने जैसी दिखती तैयार खड़ी गेहूं की फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। अपने खून पसीने के साथ सींच कर और रखवाली करके तैयार हुई अपनी इस फसल को देखकर किसानों के चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो इस खुशी के खुमार में इस तरह खो जाते हैं कि इस खुशी का इजहार किसान भांगड़ा डालकर और महिलाएं गिद्दा डालकर इजहार करते हैं। फूलों की महक, गेहूं की बलियान, तितलियों की रंगत, अपनों का प्यार। टाइम्स पंजाब की तरफ से आप सबको मुबारक हो बैसाखी का ये प्यारा सा त्योहार। टाइम्स पंजाब के शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में आप सबका वार्म वार्म वेलकम। इन येलो अटायर्स में तो आप सब देख के समझ गए होंगे मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ मनाने आई हूँ बैसाखी का ब्यूटीफुल सा फेस्टिवल। लेकिन ये फेस्टिवल मैं अकेले बिल्कुल नहीं मनाने वाली, आप सबको भी मेरे साथ इस बैसाखी के फेस्टिवल को फुल एंजॉय करना होगा। तो चलिए, लेकिन इस फेस्टिवल को मनाने से पहले आपको आप हम सब मिलकर जानते हैं बैसाखी के बारे में कुछ। जी हाँ, बैसाखी क्यों मनाई जाती है? बैसाखी सिखों का एक मेन फेस्टिवल है और सिख धर्म के लोग इसे नए साल के रूप में बनाते हैं। इस दिन हमारे सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की संस्थापना की थी। और क्यों मनाई जाती है बैसाखी? क्योंकि इस दिन सर्दियों की फसल को काटने की खुशी में ये लोग, यहाँ के सिख धर्म के लोग, इस बैसाखी के त्योहार को मनाते हैं। तो चलिए, आप सब तैयार हैं मेरे साथ इस बैसाखी के ब्यूटीफुल फेस्टिवल को मनाने के लिए? जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के एक बहुत सुंदर से गांव में, जहां आप देख रहे हैं मैं इन बहुत ही अच्छे गेहूं के बलियान में खड़ी हुई हूं। और यहां पे हम देखते हैं कि जो पंजाब के लोग हैं किस तरह से इस फसल को काटने की खुशी में वो लोग अपनी खुशियां कैसे जाहिर करते हैं, कैसे नाच गा के इस बैसाखी के फेस्टिवल को मनाते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए मेरे साथ और एंजॉय करते हैं इस बैसाखी के ब्यूटीफुल से फेस्टिवल को। बताया था कि बैसाखी का त्योहार किस तरह से लोग सर्दियों की फसल काटने के रूप में खुशी के तौर पे उसको जाहिर करते हैं। तो चलिए, आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि कितनी एक्साइटेड है लोग इस ब्यूटीफुल फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ। जैसे कि अभी आपने देखा, नई फसल की कटाई की खुशी में यहाँ के लोगों ने कितने धूमधाम से बैसाखी का जश्न मनाया। तो चलिए, आप सबको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं बैसाखी के बारे में वो क्या सोचते हैं। हेलो, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू। की हाल है तुहाडे? सत श्री अकाल जी। पहला तो सारे नूं, साडी सारी टीम वल्लों बैसाखी दी सब नूं बहुत बहुत मुबारकां।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲ ਵਰਲਡ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪਰਵ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਟ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਆਪਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਆਪਨੇ ਅਭੀ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੋ ਇਸ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਂ? ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੋ ਤੋ ਹਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਮਨਾਤੇ ਹੈਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ, ਜੇ ਹਮਾਰੀ ਕੌਮ ਕੇ ਲੀਏ ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਮਾਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਕੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੇ ਵੀ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੇ ਵੀ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਏਕਤਾ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਪੂਰੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਅਭੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਨਈ ਫਸਲ ਕਟਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਜਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਘਰ ਮੇਂ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ, ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਫਸਲ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰਾ ਨੀਲ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਮਨਾਤੇ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਝ ਬਤਾਈਏ, ਆਪਕੋ ਹਮਨੇ ਗਾਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਆਪ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਕੋ ਅਡਾਪਟ ਕੀਆ ਹਮਨੇ ਅਭੀ ਅਭੀ, ਹਮਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬੁਆਏ ਕੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ। ਹੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਅਣਖਾਣੇ, ਹੋ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਅਣਖਾਣੇ, ਹੋ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਗੱਭਰੂ ਅਣਖਾਣੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰ। ਚਲੀਏ, ਆਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ? ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਅ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਘਰ ਮੇਂ ਕਿਆ ਆਪ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕੁਛ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬ ਹਮ ਆਪਕੋ ਮਿਲਵਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਟਿਆਰ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੈ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਹਮਨੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਆ ਆਪਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਆਪ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੱਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਤੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕੋ? ਜੀ ਬਸ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾ ਦੀਜੀਏ ਜੀ। ਤਾਵੇ 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 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਚਾਹ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੈਸੇ ਆਪ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਖੂਬ ਨਾਚ ਗਾ ਕੇ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਆ, ਤੋ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 4-5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਨਾ, ਫਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਆਪ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ,
ਲੰਬਣਾ ਤੇ ਛਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਜਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦੁਆਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦੁਆਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦੁਆਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲ ਆ ਗਿਆ। इतना एंजॉयमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, आप सबने देखा कितने खूबसूरत लग रहे हैं और सब कितनी अच्छी अच्छी बोलियां हमें सुनने को मिल रही हैं। तो चलिए अब मेन हम जिसको आपसे मिलवाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ढोल उनके गले में है, कितने खूबसूरत अटायर्स में वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ढोल के बिना तो कहते हैं ना कि कोई पंजाबी गाना मायने नहीं रखता, कोई भंगड़ा मायने नहीं रखता। कितने सालों से आप ढोल बजा रहे हैं बताइए। मैम पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, और मेरे को 16 साल हो गए मैम इस लाइन में पड़े हुए। हाँ जी, मैं 10 साल का था जब मैं इस लाइन में लगा था। ये भैया मेरे को, गगन भैया मेरे को शुरू करने वाले हैं, ठीक है, मेरे उस्ताद जी पवन जोगी जी हैं। कितनी दिल को खुशी मिलती है जब ये ढोल आप अपने गले में डाल के डांस करते हैं, भंगड़ों के गानों पे खूब मतलब लोगों को एंटरटेन करते हैं, आपके दिल को कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, हम तो ये चाहते हैं हर हर एक घर में खुशी आए और हम ढोल बजाएं, है ना। साखी के फेस्टिवल पे आप यहाँ के लोगों को किस तरीके से अपने तरीके से विश करना चाहेंगे? ढोल के साथ आपको सुनाना पड़ेगा, चलिए सुनाइए। मैं बोली भी साथ में, बोली भी साथ में और ढोल भी साथ में, ठीक है। ओ बारी बारी बरसी खड़न गया सी खटके ले आंदा। आप ढोल बजाना भूल गए, आप ढोल बजाना भूल गए, ढोल साथ में बजाना। ढोल बजाएंगे मैम, आप सुनना। ओ बारी बारी बरसी खड़न गए खटके ले आंदा का, ओ सानू विसाखी दा गोडे गोडे साखी दा गोडे गोडे विसाखी दा। जान डाल दी सर आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, इन फ्यूचर भी आप ऐसे ही कहते हैं ना तरक्कियों पे जाएं। हां जी सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया ही। और आप क्या कहना चाहेंगे इस खूबसूरत त्योहार के बारे में? जैसे सबने बताया पंजाब का, हमारे पूरे वर्ल्ड का ये मेन फेस्टिवल है सिख धर्म का, तो आप क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से? अच्छा एक चीज हमें ये बता दीजिए कि पहले के जो कल्चर था पंजाबी और जो हम आज का कल्चर देख रहे हैं, आपको क्या फर्क कुछ नजर आता है? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆ। ਫੈਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਮੈਂ ਮੰਨਤੇ ਆ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਕੀ ਆਪਕੋ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। चलिए चलिए। हाँ जी सर, सत श्री अकाल सर। सर आप भी, जैसे हमने सर से पूछा, आप हमें बताइए आप किस तरह के चेंजेस फील करते हैं, जो पहले के टाइम पे बैसाखी मनाई जाती थी और आज अब मॉडर्नाइजेशन है, लोग बाहर के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना फर्क आ चुका है? बहुत फर्क आ गया जी। देखो पहला तो जो घर भी ये माहौल हों, हर पिंड पिंड हर इकट्ठा होकर मेले मना, वाढ़ियां पैदा कणक कटदिया, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਜੈਸੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਤਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕਲਚਰ ਕੋ ਅਪਨਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਤੋ ਯੇ ਕਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕਾ ਮੇਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਾ ਵਿਸਾਖੀ, ਤੋ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਪੂਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੋ ਚਲੀਏ ਆਪਕੋ ਮਿਲਵਾਤੇ ਹੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੋ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਤਾਈਏ ਆਪਨੇ ਯੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈਂ? ਅਲਗੋਜ਼ੇ। ਅਲਗੋਜ਼ੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਕੈਸੇ ਆਪ ਇਸਕੋ ਬਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਹਮੇਂ? अच्छा लगा आपने देखा
ऐसे लग रहा था हमारे खानों में मिश्री घुल रही है, सच में बहुत ही सुंदर। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मैम हले तो मैं स्टार्ट किया, हले तो लोगों ने सारे पंजाबियों के घर होंगे, ऐसी साढ़े घर भी है, खुशी तो होनी ही है क्योंकि साडा अपना त्यौहार है, असं ही शुरू किया, सारे साढ़े गुरुआं ने शुरू किया है, सारे दिलों चौ हों, जरूरी नहीं कि पंजाबियों ही हो, सारे ऑल ओवर कंट्री भी यह मनाया जाता। आप भी खीर मालपूड़े खाते? हाँ जी जरूर खाने जी, हम तो सेहत क्यों नहीं बनाते आप अपनी जी की करिए, चीजा जोर मंगदी जी चीज हथ पाया जी, कोई ना इस बार थोड़ा डबल ट्रिपल खा लीजिएगा, सेहत जरूर बनेगी। हेलो सर, और सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया जी। आपको हम देख रहे हैं सेम अटायर्स में, जैसे सर से हमने बात की आप सिंगर्स हैं, तो शुरुआत आपसे कुछ भी पूछने से पहले हम चाहते हैं कुछ गा के दिखाइए। मैम पहला तो टाइम पंजाब दी सारी टीम नू, मेरे वालों मेरी टीम वालों सत श्री अकाल जी, विसाखी दी बहुत बहुत मुबारक, गीत तो शुरुआत करते हैं। दुनिया मेले जांदी ए सोने हार शिंगार लगा के, सब सजन सजनिया वे सोने फिर कंगनिया पाके, चल आप भी चलिए वे। मैम फर्स्ट ट्रैक आया सी साडा देसी बॉयज, ऐसा करिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए चैनल को ताकि व्यूवर्स को भी सबको पता चल सके, अपना नाम बताइए। सत श्री अकाल जी, मैं मिंटू सिरा जी, सब तो पहला देसी बॉयज ट्रैक आया सीगा, ते सैकेंड ट्रैक होनी लॉन्च होया साडा जसर गौड वालों पंजाब टूडे, तो लिखा भी दसदा ही होया जी, तो पहला गाने गीत भी आप ही लिखते पे हैं, इस टाइम आप ही हल्ला मार रहे हैं, आप लिखते भी खुद? हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी, तो पंजाब टूडे के दो को बोल थोड़े ना सांझे करते हैं, तो मेरा कमल वीर छोटा, तो इस तो बाद चो आप तीनों एक साथ आइए प्लीज। हाँ जी, और एक साथ जी, तुम कले कले दे इंटरव्यू ले रहे क्योंकि अभी आना टीम ची सीगा। चलिए कोई ना, आप टीम में कोई ना, आप टीम में आ चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि आप क्या कैसे बैसाखी विश करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, पूरे पंजाब के लोगों को। इवन पंजाब का गाना गाया ना, वो पहला पंजाब ते आज का पंजाब दिखाया वा, तो एक साथ आप तीनों फिर से गा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जरूर जरूर। कदे खुशियां दे मेले इत्थे भरदे हुंदे सी, सारे इक दूजे नाल मोह करदे हुंदे सी, कदे खुशियां दे मेले इत्थे भरदे हुंदे सी, सारे इक दूजे नाल मोह करदे हुंदे सी, अज वेख वेख सारे सड़ी जांदे ने, धुप सड़ जांदी जिवें कोई गुलाब नू, खोए की दी नजर है लग गई, नजरां ने खा लिया पंजाब नू, खोरे की दी नजर है लग गई, नजरा ने खा लिया पंजाब नू। कितना सुंदर मैसेज दिया आपने पंजाब के लोगों को, जो यहाँ का यूथ आजकल आपने जैसे बताया दूध दही को छोड़ के नशों की तरफ प्रमोट होता जा रहा है, तो ये आप कितनी देर की प्रैक्टिस करते हैं आप, जो इतना आप खूबसूरती से गा रहे हैं एक साथ मिलकर? मैडम सच घंटे की प्रैक्टिस करते हैं घंटे की प्रैक्टिस इतना सोना बैठ के एक घंटे की प्रैक्टिस पर राह जाते जाते सारी प्रैक्टिस चलती रहती रास्ते असं रोड से सोची भी कोई देखता कि नहीं आप गाँव रही। चलिए अब हम देखते हैं ये आप सबको बैसाखी की विश कितनी खूबसूरत अंदाज में यहाँ के लोग करके दिखाएंगे। चलिए सबको एक साथ बोलना है और आपको ढोल भी बजाना है साथ में। हैप्पी बैसाखी डे, जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं लुधियाना के मंजी साहब गुरुद्वारे आलमगीर में, और आप यहां देख सकते हैं कि बैसाखी के त्यौहार को लेकर यहां पे श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो चुका है, तो चलिए आपको अंदर गुरुद्वारे में लेके चलते हैं और जानते हैं उनके प्रधान से कि इस बैसाखी का उनके लिए क्या महत्व है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। मैं सब संगत को यही बेनती करता हाँ कि बैसाखी का दिहाड़ा श्री आनंदपुर साहब विखे 1600
विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की दशमेश पिशा जी वालों साजना की गई थी। उस दे संबंध में ही गुरद्वारा मंजी साहब आलमगीर विखे भी यह त्यौहारा बहुत धूमधाम मनाया जाता है, जिस विच भारी दीवान सजाए जाते हैं, भारी अमृत संचार कराया जाता है। पंजां प्यारियां वालों अमृत संचार कराया है। मेरी साध संगत को हथ जोड़ के निम्रता सहित बेनती है कि अज के दिन गुरु घर पहुँचो, अमृत छको, बाणी ते बाणी दे तहार नहीं होवो। जिहड़े जो सिख रोमां की बेदबी करते हैं इन्हां नूं इस पासे नहीं, अते बाणी ते बाणी नाल जुड़ना चाहीदा है। अपने दशमेश पिता ने वेखो सारे परिवार ही वार के सिख कौम की खातर सारा कुछ किया, तो आपां नूं भी बाणी ते बाणी दा धारनी होना चाहीदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।